नमस्कार, मैं नवीन देवघर महाविद्यालय देवघर में समाजशास्त्र का प्राध्यापक इंटरमीडिएट सेक्शन। मैं शनिवार को आपको पढ़ाया था, यूनिट टू का चल रहा है, चैप्टर वन का किंसिप, नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था में मैं आपको बता रहा था कि नातेदारी के कितने प्रकार हैं, नातेदारी किसे कहते हैं, डेफिनेशन, ये सारा कुछ मैं करवा चुका हूँ। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो नातेदारी कैटेगरीज ऑफ किनशिप, नातेदारी की श्रेणियाँ, कितने श्रेणियों में नातेदारी होती है, ये आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, नातेदारी की श्रेणियाँ। नातेदारी की मुख्यतः तीन श्रेणियाँ होती हैं। पहला है प्राथमिक नातेदार, दूसरा है द्वितीयक नातेदार और तीसरा है तृतीयक नातेदार। अब होता क्या क्या है, किसको प्राथमिक नातेदार कहेंगे, किसको द्वितीयक कहेंगे और किसको तृतीयक कहेंगे, ये समझने वाली बात है। तो प्राथमिक नातेदार वैसे नातेदार को कहते हैं जिसके साथ हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, आमने सामने का संबंध। तो घनिष्ठ संबंध किस में होता है, निश्चित है कि परिवार में रह रहे लोगों के बीच होता है, तो वो क्या होता है, एक दूसरे के प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं देख सकते हैं आप, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, भाई भाई और बहन बहन, ये लिखा हुआ है। इसको एससी दुबे ने 8 प्रकार में बांटा है, एससी दुबे हो या जीपी मर्डक हो। मर्डक ने, पहले मैं बता चुका हूँ कि मर्डक ने 250 समाजों का विस्तार से अध्ययन किया था, उन्होंने ही नातेदारी व्यवस्था को ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया है, उन्होंने भी 8 प्रकार के प्राथमिक नातेदार बताया है। तो प्राथमिक नातेदार में आप देख सकते हैं कि पति पत्नी, पिता पुत्र और पिता पुत्री, माता पुत्री, जो परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं, आपसी संबंध रहता है, घनिष्ठता रहती है उसमें, इसको ही प्राथमिक नातेदार कहते हैं। अब द्वितीयक नातेदार आते हैं, तो द्वितीयक नातेदार में वैसे लोग आ जाएंगे, वैसे संबंधी आ जाएंगे जो प्राथमिक के प्राथमिक हैं। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि प्राथमिक जो संबंधी मैंने पहले बताया, उसके जो प्राथमिक होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, द्वितीयक नातेदार कहलाएंगे। समझ में आ रहा है, आपके प्राथमिक नातेदार के जो प्राथमिक होंगे वो आपके द्वितीयक नातेदार कहलाएंगे। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें आते हैं बहनोई, जैसे आपकी बहन की शादी हो गई तो जो बहनोई होंगे, जो जीजाजी होंगे, वो आपके द्वितीयक नातेदार होंगे, प्राथमिक नहीं होंगे, द्वितीयक होंगे। बुआ, मामा, साला, चाचा आदि, ये मर्डर ने इसको क्या किया, 33 प्रकार में बांटा, 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदार होते हैं लोगों के। मर्डक ने 33 प्रकार बताए हैं, जीपी मर्डक ने, द्वितीयक नातेदार। अब आपने द्वितीयक नातेदार समझ लिया, अब तृतीयक नातेदार क्या है। तृतीयक नातेदार वैसे नातेदार हैं जो द्वितीयक के प्राथमिक हैं, मतलब द्वितीयक में जो लोग आ रहे हैं उसके जो प्राथमिक संबंधी हैं, यानी कि उनके जो घनिष्ठतम संबंधी है, जो प्रत्यक्ष संबंधी हैं, वो आपके तृतीयक नातेदार कहला जाएंगे। इसमें कौन कौन आएंगे आइए देखते हैं। तो इसमें जैसे चाची आ जाती है, बहनोई के भाई बहन, बहनोई के भाई बहन वो हमारे तृतीयक नातेदार, फूफा, मौसा आदि। ऐसे मर्डक ने 151 प्रकार में बांटा है, 151 प्रकार के उन्होंने तृतीयक नातेदार को बताने का प्रयास किया है। इसलिए आप इसको बढ़िया से मेरे वीडियो को देखकर बार बार समझकर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेबस का, इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक क्वेश्चन इसमें से आपको रहेगा, जिसे पूछ देगा कि चाचा आपके किस संबंधी में आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि चाचा यहाँ लिखा हुआ है, चाचा आपके द्वितीयक नातेदार में आते हैं, है ना। तो इस प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देखें, फिर लिखें, फिर समझने का प्रयास करें, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है मित्रों, तो आज भर के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।